अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप क्लास 8th, ओपन योर टेक्स्ट बुक ऑफ जनरल साइंस एट पेज नंबर 190, चैप्टर फ्रिक्शन। आवर टुडेज सब टॉपिक इज मेथड्स ऑफ इंक्रीजिंग फ्रिक्शन। ये आज का हमारा सब टॉपिक है। जो आज का हमारा सब टॉपिक है मेथड्स ऑफ इंक्रीजिंग फ्रिक्शन। इन सम केसेस फ्रिक्शन इज यूजफुल टू अस। इन सम such cases we even want to increase friction to make it more useful to us। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे फ्रिक्शन हमें फ़ायदेमंद होते हैं, तो इन केसेस में हम चाहते हैं कि फ्रिक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो ताकि हमें ज़्यादा फ़ायदा मिले। फ्रिक्शन इंक्रीज़ करने के लिए फ्रिक्शन इंक्रीज़ हम कर सकते हैं। हम इसका जो सरफेस है इसको हम सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट जो रफ़ होती हैं, जो जिस ऑब्जेक्ट की सरफेस रफ़ होती हैं, तब इसको हम ये इस पे डिपेंड होता है कि इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा रफ़ बनाएं ताकि फ्रिक्शन इंक्रीज़ हो जाए। कैन बी मेड इन मेनी वेज डिपेंडिंग, ये हम बहुत तरीक़ों से बना सकते हैं। ये सिचुएशन पे डिपेंड होता है कि इन ऑब्जेक्ट्स जो हम ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं ऑब्जेक्ट्स पे डिपेंड होता है। बिफोर वी डिस्कस द मेथड्स ऑफ इंक्रीजिंग फ्रिक्शन, तो हमें पहले ये मीनिंग पता होना चाहिए कि टर्म्स, यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं, ग्रूज हैं, ग्रू एक टर्म है, या ट्रेड्स एक लॉन्ग और शेलो कट जो होते हैं, डिप्रेशन इन द सर्फेस ऑफ ए हार्ड मटीरियल। हार्ड मटीरियल में जो लॉन्ग और शेलो कट होते हैं या डिप्रेशन होते हैं, इसको ग्रू बोलते हैं। एक सीरीज ऑफ पैटर्न्स जो बने हुए होते हैं सरफेस पे ऑफ ए टायर, जो प्रोवाइड करता है ग्रिप रोड पे, इसको ट्रेड बोलते हैं। फ्रिक्शन हम इस इंक्रीज़ कर सकते हैं मुख्तलिफ मेथड से। नंबर वन, ग्रूज जो हैं, ग्रूज आर मेड इन द सोल्स ऑफ शूज़ टू इंक्रीज फ्रिक्शन एंड प्रिवेंट स्लिपिंग। जो ग्रूज होते हैं ये बनाए जाते हैं हमारे शूज़ के सोल्स में ताकि फ्रिक्शन इंक्रीज़ हो जाए और हम स्लिप से बच जाए, हम गिर न जाए। तो शूज़ में ये जो ग्रूज हैं ज़्यादा से ज़्यादा बनाए जाते हैं ताकि ज़्यादा फ्रिक्शन हो जाए। अगर हम ऑब्ज़र्व करेंगे सोल्स ऑफ आवर शूज़, जो हम शूज़ लाते हैं बाज़ार से, तो हम इसका जो सोल होता है इसको ऑब्ज़र्व करेंगे तो हम देखते हैं कुछ ग्रूज होते हैं जो सोल्स में बनाए हुए होते हैं बाय द मेकर्स ऑफ शूज़। उन जो शू मेकर होता है उन्होंने बनाए हुए होते हैं फैक्ट्रीज़ में, कारखानों में। जो ग्रूज होते हैं सोल्स के हमारे शूज़ के, वो इंक्रीज़ करते हैं फ्रिक्शन विद द ग्राउंड और फ्लोर सो डैट शूज़ गेट ए बेटर ग्रिप, ताकि शूज़ जो हैं ये बेटर ग्रिप हासिल करे एक स्लिपरी ग्राउंड पे, तो हम चल सकते हैं सेफली विदाउट द रिस्क ऑफ स्लिपिंग, कोई स्लिप का खतरा न रहे वहाँ पे। नंबर सेकंड, ट्रेड्स बनाए जाते हैं टायर्स में व्हीकल्स के ताकि इंक्रीज़ हो जाए फ्रिक्शन और प्रिवेंट स्किडिंग करेंगे इस व्हीकल का जो वेट रोड्स पे होंगे। वेट रोड्स पे जब गाड़ियाँ चलती हैं तो वहाँ से स्किडिंग से बचाने के लिए ये ट्रेड्स बनाए जाते हैं। जब एक रोड वेट होता है ज्यूरिंग रेन, जब बारिश पड़ती है तो रोड वेट हो जाता है, तो एक लेयर होती है पानी की उस रोड पे, जो प्रेजेंस होती है वाटर की इस रोड सरफेस पे, ये रिड्यूस फ्रिक्शन करता है, रिड्यूस को कम करता है बिटवीन द टायर्स ऑफ व्हीकल एंड द सरफेस ऑफ द रोड। इसकी वजह से जो टायर्स होते हैं वो लूज़ करते हैं ग्रिप इस रोड पे, तो रिड्यूस फ्रिक्शन हो जाती है टायर्स और रोड के दरमियान एंड रोड, ये इंक्रीज़ होती हैं जो चांसेस होते हैं स्किडिंग के व्हीकल में, व्हीकल के जो स्किडिंग के चांसेस होते हैं वेट रोड पे, स्पेशली व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड सडनली ड्यू टू दिस इट बिकम्स डिफिकल्ट टू कंट्रोल द रनिंग व्हीकल ऑन ए वेट रोड। जो ट्रेड्स होते हैं सरफेस ऑफ टायर्स पर जो ट्रेड्स होते हैं इस तरीके से डिज़ाइन किए जाते हैं, वो इन अ वे दे पुश अवे वाटर, वो वाटर को पुश अवे करते हैं फ्राम अंडर द टायर, एज द टायर रोल्स ओवर ए वेट रोड द वाटर इज़ पुश्ड अवे फ्राम द सरफेस ऑफ रोड
बनीथ द टायर फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड टायर इंक्रीजेस, जो रोड और टायर के दरमियान जो फ्रिक्शन होती है वो इंक्रीज होती है वहाँ पे, और इम्प्रूव करते हैं टायर्स ग्रिप ऑन द वेट रोड। इस तरीके से जो टायर का ग्रिप होता है इस वेट रोड पे, वो मजबूती से इसका ग्रिप बना लेता है। जो रिस्क होते हैं स्किडिंग की इस फास्ट रनिंग व्हीकल की, वो रिड्यूस हो जाती हैं। तो इस तरीके से ट्रेडेड टायर्स जो होते हैं कार्स में, बसेस में, या ट्रक्स में, या मोटरसाइकिल्स में, स्कूटर्स में, बाइसिकल्स में, वो प्रोवाइड करता है बेटर ग्रिप ऑन द रोड, स्पेशली ऑन वेट एंड स्लिपरी, खासकर स्लिपरी रोड और वेट रोड पे। जो ट्रेडर्स होते हैं टायर्स के, ये हेल्प नहीं करते हैं इन ड्राई वेदर। एंड नेक्स्ट वी विल डिस्कस द अदर मेथड्स ऑफ इंक्रीजिंग फ्रिक्शन। थैंक्स।